अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है आप लोग जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक आपको सेहत लंबी जिंदगी दे और बहुत ज़्यादा खुशियाँ दे। और जिन मेरे बहन भाइयों की औलाद नहीं है, अल्लाह ताला उन्हें नेक औलाद दे। तो इसी दुआ के साथ वीडियो शुरू करती हूँ। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो प्यारे व्यूअर्स, आज है ना मैंने सुबह सुबह ये टायर वाली ईंटें जो है ना मैंने इन्हें जमा किया, इसे बना के रख दिया इकट्ठा करके। और जो है ना कल जो है ना बहुत तेज़ शाम को आंधी आई थी, हवा तो पहले ही चल रही थी, आंधी आने की वजह से थोड़ा सा मेरा गला जो है ना बैठ जाता है। और जो है ना चलते हैं बाकी का काम जो है ना वो भी आपसे शेयर करते हैं। का सामान जो बाकी था वो तो मैंने सारा निकाल लिया, ये गार्डर बचा है। सबसे पहले जो है ना मैं अभी जो है ना मैं कुछ भी घर से निकाल लूँगी, मट्टी वगैरह आ गई है ना इसलिए। ऐसे साफ भी होती है अभी। मैं आ गई हूँ, मैंने कहा कि रोटी ताज़ी रोटी बना लूँ, सकलैन भी आने वाले होंगे और जहर की नमाज का टाइम हो गया था, नमाज पढ़ी है। उसके बाद है ना मैंने कहा रोटियाँ पहले बना लूँ। बाकी जो है ना ये दीवार आज मैंने गिरानी है। देखे मैंने भाई को बुलाया है कि ये दीवार गिरानी है, तो उसने कहा है कि आप ये खतरे का काम ना करें। तो इंशाल्लाह आज जो है ना इसे मैं ज़रूर गिरा दूँगी। तो इनकी तो मैंने ईंटें खुद भी उतारी और सकलैन भी साथ था। तो ये जो है ना ये इसके दरवाज़ा फंसा हुआ है, लंटर वगैरह है, तो ये गिरानी पड़ेगी। वो भाई जो है ना ये दीवारें वगैरह जो है ना गिराते रहते हैं, तो इंशाल्लाह जो है ना इसे भी आज गिराएंगे। और मैंने कहा सकलैन को जो है ना छुट्टी होने वाली, वो आ जाएगा गरम गरम रोटी बना के पहले रख लूँ। मौसम कुछ ऐसा हो गया है यहाँ पे जो है ना बहुत तेज़ धूप होती है दिन को, आज हवा नहीं चल रही। कल तो शाम को जो है ना मट्टी वाली आंधी आई थी, इसलिए आज जो है ना नहीं हवा नहीं है तो गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा तेज़, दोपहर को गर्मी होती है। तो आशा भी आई हुई है, उसे जो है ना सिस्टर ने, एक बहन है उसको, उसने बकरा दिया है तो उसको घास वगैरह खिला रही है, तो उसके साथ भी इंशाल्लाह काम जो है ना कराएंगे। उसे ज़िबा करके जो है ना बांटने वाली है, तो उसके साथ इंशाल्लाह जो है ना उसकी हेल्प भी कराएंगे। अभी मैं रोटियां बना रही हूँ, रोटियां बनाने के बाद जो है ना उसके साथ। अस्सलाम वालेकुम,
आ गया है एक जन भी आई मैं आ गया है तेरे लिए डाल दे पाटते दरवाजा चार जो थके ने केवल सर या करे ने अंदर मुश्किल दहाई मुश्किल दहाई है ना भाई मुश्किल दहाई पटना पर पाई तो अल्हम्दुलिल्लाह से दरवाज़ा मैंने इधर रख दिया है। अभी जो है ना एक चीज़ वो टूटने से बच गई है, मैं वो भी निकाल लेती हूँ। तो जो है ना वो उन दीवारों पे ना लेंटर नहीं लगा हुआ था, ये जो है ना इन पे दरवाज़ा था ना, इसलिए जो है ना ये मुश्किल हो रही थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह से इसको मैंने गिरा दिया, तो इनमें से इनसे भी निकल आएगी और सरे अभी अल्हम्दुलिल्लाह से। ये देखिए मैंने सरिया निकाल लिया है, तो आशा जो है ना वो भी आई हुई है साथ ही हैं, तो इनकी जो है ना वीडियो में पूरी दावत होगी, आपने ज़रूर देखनी है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब मेरे प्यारे बहन भाई ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक हूँ। तो प्यारे बहन, आप लोगों ने मेरी आपी का पूरा पूरा साथ देना है, जिस तरह से आपी और मैं हम दोनों एक दूसरे का साथ देती है ना, इसी तरह से आप लोगों ने भी हमारा साथ देना है। तो आज माशाल्लाह से मैं आई हूँ, तो वैसे भी आपी के घर का काम शुरू हो गया है, तो मेरा तो वहाँ पर ज़्यादा कोई रिश्तेदार है नहीं, तो अपने घर में दावत वगैरह करती, तो मैंने सोचा कि आप ही के घर चलते हैं, अबू जी ज़िबा भी कर देंगे बकरे को, और वहीं पर बहुत सारे हमारे गाँव में आसपास बहुत सारे गरीब से लोग हैं, तो उनको भी दे देंगे। तो इंशाल्लाह साथ मिलकर आप ही और मैं बाहर बांटेंगे भी। और अभी जो है ना अबू जी ने ज़िबा कर दिया है, तो उसकी जो है ना खाल वगैरह वो भी उतारेंगे, वो भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे, और वो मेरी वीडियो में है, आप ही की वीडियो में नहीं है। तो आप लोगों ने हम दोनों की वीडियो को आज पूरा देखना है। तो जिस सिस्टर ने मुझे ये बकरा भेजा था, तो उसने मुझे कहा कि अबू जी से कहना कि हमारे लिए बहुत सारी दुआ करे, और अबू जी से कहना कि ज़िबा भी वही करेगा। तो इंशाल्लाह ज़िबा भी अबू जी ने किया है, तो तकसीम भी अबू जी और हम सब मिलकर बैठकर करेंगे जी। इंशाल्लाह अल्लाह पाक जो है ना मेरी आशा बहन की जो सिस्टर है उसकी बेटियों को अल्लाह पाक सेहत दे, लंबी ज़िंदगी दे, और उन उसके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए। अल्लाह ताला उनके नसीब अच्छे करे, अल्लाह ताला उनकी हर मुश्किल आसान करे। प्यारे बहन भाइयों, मैं अंदर आ गई हूँ। असल में कल जो तेज़ आंधी आई है ना मट्टी वाली, तो मेरी सांस है ना बंद होने लगती है, मुझे एलर्जी है ना, तो नाक पे भी सोजिश आ गई। तो काम तो मैं वैसे भी करती रहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से, लेकिन ये जो एलर्जी वाला मसला है ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा तंग करता है। आंधी आ जाए, अगर मैं झाड़ वगैरह दे दूँ, तो दवाई वगैरह तो खा रही हूँ। तो आपने मेरे लिए बहुत सारे दुआ करने के, अल्लाह पाक देना इस बीमारी से मुझे भी मेरी भी जान छुड़ाए। तो अल्लाह पाक आपको भी बहुत सेहत दे, लंबी जिंदगी दे, आपके घर में बहुत सारे खुशियाँ दे। और इसी दुआ के साथ ना आज की वीडियो का करती हूँ एंड, कल फिर नई वीडियो के साथ मिलूंगी। तब तक के लिए मुझे दें इजाजत, अल्लाह हाफिज़।